वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम लेकर आए हैं चोको आलमंड केक की रेसिपी, जो बच्चे बड़े सब बहुत लाइक करते हैं। तो आइए इंग्रेडिएंट शेयर करते हैं। ये 1.5 कप मैंने लिया है मैदा, आधा कप लिया है मैंने कोको पाउडर, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये लिया है मैंने सोडा जो आधा चम्मच है, बेकिंग पाउडर लिया है मैंने जो 1.5 चम्मच है, मलाई मैंने 1 कप ली है और बादाम 10-15 मैंने काट लिए हैं और मिल्क भी मैंने 3/4 कप लिया है। तो ये सब मेजरिंग कप से मैंने मेजर करके बाउल में डाला है। मेजर करना बहुत जरूरी है, नाप कर इंग्रेडिएंट्स लेना बेकिंग में बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमने मैदा ली है, इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसी में हम कोको पाउडर डाल देंगे और इन सबको एक बार हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हम इसको छान लेंगे और मैं इसको दो बार छानूंगी इसको, ताकि ये सब इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो देखिए आप छानने के बाद ये ऐसे मिक्स हो गया ना, थोड़ा फ्लफी भी हो गया है। तो अच्छे से अगर कोई इम्प्योरिटी होती है, कोई गांठ पड़ी हुई है इसमें, देखिए ये सब अच्छे से, देखो आप कोको पाउडर में देख रहे हैं ना, तो ये छानने का मतलब ये है कि अच्छे से, देखिए अच्छे से वो हो जाती है, मिक्स हो जाता है। अब हम इसको एक बार और छान लेंगे। तो ये छन गया है, इसको एक बार और कर लेंगे। ऐसा आप करेंगे तो आपका केक बहुत अच्छा राइज होगा, बहुत अच्छा बनेगा। देखिए ये हम इसको छान रहे हैं, ये देखिए ये अच्छे से तैयार हो गया है हमारा। और ये आप प्री मिक्स की तरह भी कर सकते हैं, अगर आपको शाम को केक बनाना है तो सुबह आप ये अच्छे से तैयार करके रख सकते हैं। अब हम वेट इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें ये चीनी डाल रहे हैं पिसी हुई, और ये मैंने आपको बताया ही है कि पहले चीनी को आप नाप लेंगे, शुगर को आप नाप लेंगे, फिर उसको मिक्सी में पीसेंगे। अब हम डालेंगे इसके अंदर मलाई, और बस एक दो बार ही इसको चलाना है, मिक्स करना है बस हल्के से। ताकि इसका घी ना निकले। और मैं अपने दूसरे केक का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, उसमें मैंने सारा इसी तरह से बताया है। और ये मलाई का केक बच्चों के लिए बहुत अच्छा बनता है, फ्लेवर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, बेस इसका ये है। देखिए ये मिक्स हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हमने पहले से छान के रखे हैं, थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे। जो पहली बार केक बना रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूं, इस तरह से आप इसको डालते जाइए, मिक्स करते जाइए, और जब ये काफी थिक लगेगा तो हम इसमें दूध ऐड करेंगे। अब देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाए तब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और इसमें ये थोड़ा सा और हमारा बाकी है, मिक्सचर हमने डाल लिया है और ये कुछ इस तरीके का थिक हो गया है। अब हम इसमें दूध डालेंगे और इसको मिलाएंगे और एक ही डायरेक्शन में आपको इसको फेंटना है, मिक्स जो करना है वो एक ही डायरेक्शन में आप करेंगे। तो इसको क्रीमी होने तक हम फेंटते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं आपको फेंट कर दिखाती हूँ। अब ये देख सकते हैं आप, ये इस टाइप का हो गया है। तो हमें ये अब तैयार है, अब हम इसमें पोर करेंगे, सेंटर से हम इस तरह से डालेंगे। अब इसमें डाल रहे हैं हम बादाम, जितने आप डालना चाहें। देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, क्योंकि ये चोको आलमंड केक है तो हम इसमें थोड़े से ज्यादा ही डाल रहे हैं। और इसको अब हम अच्छे से एक बार चम्मच से हल्का हल्का ऊपर से ऐसे चलाएंगे, ताकि कुछ नीचे आ जाएंगे और कुछ अंदर हो जाएंगे, मतलब कुछ अंदर हो जाएंगे और कुछ ऊपर से दिखाई देंगे।
ये देखिए, और अब हमने सेम अवन को प्री हीट कर रखा है और इसको भी हम 170 डिग्री पर बेक करेंगे। अब ये हम अवन प्री हीट हो चुका है, सेंटर वाला जो रैक है उसको थोड़ा सा ऐसे करेंगे और इसमें रखेंगे। आप अपने हाथ में ग्लव्स हमेशा पहनिए ताकि वो आपका हाथ जले नहीं। इस सेंटर रैक को पीछे कर देंगे और 170 डिग्री पर हम 30 मिनट्स के बाद ही इसको चेक करेंगे, बीच में हम इसको नहीं खोलेंगे। अब आप देख सकते हैं केक कितने अच्छे से फूल गया है, बहुत ही बढ़िया केक बना है। अब हम इसको चेक करेंगे, टूथपिक लगाकर हम इसमें देखेंगे अगर ये क्लीन निकलती है तो। ये देखिए क्लीन है। मैं और थोड़ा सा आपको पास से दिखाती हूँ। रैक को हम आगे शिफ्ट कर लेंगे ताकि हाथ जो है वो जले नहीं, और टूथपिक सेंटर में लगाएंगे। देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन है, केक रेडी है। इसको बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए परफेक्ट। तो देखिए ये ठंडा हो गया है अच्छे से, और अब हम इसको इस प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से केक जालीदार बना है, आप देख सकते हैं ना कितना बढ़िया केक बना है। अब हम इसको पलट लेते हैं दूसरी प्लेट में। तो देखिए ये बहुत स्पॉन्जी बना है, मैं आपको दिखाऊं इधर साइड से कितना अच्छा सा बना है। देखिए बहुत बढ़िया बना है, यहां मैं पीस करके आपको दिखाती हूं कट करके। और ये देखिए कितना जालीदार, कितना स्पॉन्जी ये केक बना है। आप जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा, कितना जालीदार केक बना है, जरूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज।